प्रेम की बात आती है तो इस संसार में अनेकों उदाहरण उपस्थित हैं, परंतु एक अनोखा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ जो न कि प्रेम सिखाता है बल्कि हमें जीवन में कई और उन तथ्यों को बताता है जो हमें अपने जीवन में करना चाहिए। चलिए आज हम आपको बताते हैं प्रेम के उस उदाहरण के बारे में जिसने आज की पीढ़ी में भी अपना रंग चढ़ाए हुए हैं। इस पोस्ट के माध्यम से हम राधा और कृष्ण के प्रेम संगम तथा बिछड़ने का कारण जानते हैं। हिंदू धर्म में सभी देवी देवता अपने पराक्रम चमत्कार से जाने जाते हैं, परंतु विष्णु जी के आठवें अवतार श्री कृष्ण अर्थात गोकुल के नंदलाल जी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में जाने जाते हैं। उनके जीवन की अनेकों लीलाएं हैं, जिसमें से आज एक लीला का वर्णन हम इस कहानी में करेंगे जो श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा से जुड़ी है। राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी कुछ ऐसी अनोखी कहानी है। बचपन में राधा और कृष्ण एक दूसरे के साथ मिला करते थे, एक दूसरे साथ नए खेल का आनंद लेते थे। कृष्ण जी नए नए प्रकार की लीला राधा के साथ करते थे। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे में समर्पित हो गए, परंतु वह एक दूसरे के पति और पत्नी नहीं बन पाए। आज हर कोई जानता है उनके प्रेम की इस कहानी को, परंतु कृष्ण द्वारा रानी रुक्मणी से विवाह करने के उपरांत राधा कहां गुम हो गई आज तक कोई नहीं जान पाया, और राधा और कृष्ण के बिछड़ने का कारण क्या था शायद ही कोई जानता हो। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए हम इस पोस्ट को और आगे बढ़ाते हुए आपको राधा कृष्ण के कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद आपको पता नहीं होगा। जब कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ गाय नहीं आते थे, उनके साथ गोपिका भी आते थे। उनमें राधा भी थी जो जिसने कृष्ण के मन को चुराया था। कृष्ण का नीला रंग, बादाम के आकार के आंखें, हल्के गुलाबी होंठ, लोहा जैसा शरीर, काले बालों में मोर के पंख और नटखटपन को देखकर सारे गोपिका कृष्ण पर मोहित हुए थे, लेकिन केवल राधे ने कृष्ण की बांसुरी की सुरीली आवाज को अपने मन खो दी थी। जब कृष्ण की बांसुरी नाद पर राधा नृत्य करती थी तो तब वृंदावन में स्वर्ग की सुंदरता सृष्टि होती थी। राधा ने कृष्ण का मन चुरा लिया, एक चोर जो हर घर में मक्खन चुराता था। जब कृष्ण उससे शादी करना चाहते थे तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे मजबूत और पवित्र कारण थे। राधा को 6 साल की उम्र में अयान नाम के एक सैनिक के साथ बाल विवाह हुआ था, लेकिन उनकी शादी के 1 साल के भीतर ही अयान का निधन हो गया। उसके बाद कृष्ण को राधा मिली, वह कृष्णा से 3-4 साल बड़ी थी। राधा को पहले ही शादी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी मूर्खतापूर्ण भावनाओं को छुपा के रखी और उसके पास कृष्ण के लिए सिर्फ प्यार की भावनाएं थीं। वो कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन वो उससे शादी करने से इनकार कर दी क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। इसके अलावा उसके मन में ऐसी हीन भावना थी कि कृष्ण राजा होने वाले हैं, लेकिन मैं गाय चराने वाली साधारण गोपिका हूँ। राधा चाहे तो पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद भी कृष्ण से शादी कर सकती थी, लेकिन उसकी प्रेम की परिकल्पना अलग थी। राधे और कृष्ण का मन परस्पर मिला हुआ था, वे दो शरीर एक मन के जैसे हुए थे। मिलन हुए मानो की शादी के बंधन से या शारीरिक संबंध से मिलन करने में राधा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वो मानती थी कि प्रेम में एक हुए मनों को शादी के बंधन की जरूरत नहीं है, इसलिए राधे ने श्री कृष्ण से शादी नहीं की। राधे के बात को मानकर श्री कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वृंदावन छोड़कर द्वारका को आए।
राजा बनने बाद वह फिर कभी वृंदावन को वापस नहीं गए। राधे ने अपने जीवन के हर पल को श्री कृष्ण की यादों में बिताया। राजा बनने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो राधा से नहीं मिले, लेकिन उनका मन पूरी तरह से राधा के अधीन में ही था। वे दोनों शारीरिक रूप से बहुत दूर थे, लेकिन मानसिक रूप से करीब थे। एक दिन राधा ने दूध गर्म करते वक्त अपने पैर पर गर्म दूध को डाल लिया, लेकिन उसके बदले में कृष्ण के पैरों पर छाले हुए। यह घटना उनके पवित्र प्रेम को समझने के लिए पर्याप्त है। वे दोनों आत्मसाथी थे। राधा हर पल श्री कृष्ण का आने का इंतजार करती थी, लेकिन वह वृंदावन को नहीं आए। आखिर में बूढ़ी राधा उन्हें ढूंढती हुई द्वारका गई। उसने आखिरी बार कृष्ण को देखकर अपनी इच्छा पूरी की। कृष्ण ने आखिरी बार राधा के मन पसंदीदा बांसुरी राग को बजाया और उसके बाद बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। उसके बांसुरी ताल पर चार कदम नाचकर राधा हंसते हंसते अपनी जान छोड़ दी। प्रेम दिलों का बात है, न कि शरीरों का। प्यार करने के बाद शादी करना चाहिए या हमेशा एक दूसरे से चिपक के रहना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्यार दो आत्माओं का सम्मिलन है। सच्चा प्यार वो है जिसमें दो शरीर एक ही आत्मा में रहते हैं। इसे राधा ने हमें सिखाया है। बिना शारीरिक संबंध बना के, बिना हमेशा साथ रह के, मानसिक रूप से प्यार करके राधा ने इस दुनिया को दिखाया है। सूर्य चंद्र रहने तक राधा के नाम अजर अमर है। आज के प्रेमियों को उसकी प्रेम कहानी से बहुत कुछ सीखना है। मुझे बताएं कि आप इस प्रेम कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और इसे अपने प्रियजन के साथ साझा करें। तो हेलो दोस्तों, आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। तो फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद।